जब मैंने चंदू चैंपियन मूवी का ट्रेलर देखा था तो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मेरा थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं बना कि यार इस मूवी को मैं जाकर देखूं, क्योंकि यार जो खेल कूद जो स्पोर्ट्स इसके अंदर दिखाया जा रहा था मुझे सुल्तान मूवी की याद आ रही थी यार। उसके अंदर भी पहले वो पहलवानी करता था, फिर बाद में फ्री स्टाइल बॉक्सिंग करने लगा, कुछ चीजें वैसी ही नजर आ रही थी चंदू चैंपियन जो जब ट्रेलर आया था उस वक्त। बट कहते हैं ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, वही सेम चीजें लागू होती है चंदू चैंपियन मूवी के ऊपर। ट्रेलर देखकर ये नहीं बता सकते कि मूवी कितनी अच्छी हो सकती है, मतलब सरप्राइज कर दिया इस मूवी ने, एकदम कमाल की जबरदस्त मूवी रही है। बात करेंगे कैसे रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मूवी की कहानी की हम चर्चा कर लेते हैं। देखो इस मूवी की जो कहानी है वो रियल बेस्ड एक रियल कहानी के ऊपर आधारित है, मुरलीकांत पेटकर जी की, उनकी जीवनी के ऊपर आधारित ये मूवी, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार आप लोगों को इस मूवी की कहानी कैसे बताऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार आप इस मूवी का हर एक सीन जाके थिएटर में देखें, खुद इंस्पायर हुए इस मूवी को जब आप थिएटर में देखेंगे। कोई भी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। और जो मुझे मोटिवेशन मोटिवेशन के नाम पर एक फेक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर देखने को मिलता है, यार मुझे ये मूवी ऐसा लगता है उनके मुंह पे एक तमाचा है। मुरलीकांत पेटकर जी उनके लिए एक तरीके से जीते जागते मोटिवेशन है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इंसान ने अगर अपने अंदर के उस डर को अगर हरा दिया जिसमें वो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू आगे नहीं बढ़ सकता, बस उसके ऊपर काबू पाने की देर है और आप अपने दृढ़ संकल्प से पता नहीं हर एक मुश्किल को पार कर जाएंगे। मुरलीकांत पेटकर जी एक ऐसे इंसान की सच्ची कहानी है जिसमें डेफिनेटली दुनिया के सबसे अविश्वसनीय जीवन को जिया हो, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो एक के बाद एक मुश्किल से हिम्मत दृढ़ संकल्प और अधिक भावना के साथ उभरता रहा, अपने जीवन की अडल्ट एज में महाराष्ट्र के देहाती इलाकों से कुश्ती लड़ने से लेकर टोक्यो के में आयोजित प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सेवा मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करना, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने और उसमें विकलांग होने तक, और अंततः 1972 में ग्रैंड म्यूनिक ओलंपिक में अपनी जगह बनाना और ब्लैक सितंबर आतंकवादी हमले का सामना करना, मतलब क्या नहीं सा मुरलीकांत पेटकर जी ने अपनी लाइफ के अंदर। आप देखेंगे इसके अंदर उनकी जो जीवनी है, देखो मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी इस मूवी के मेकर्स की, उन्होंने कोई भी फालतू प्रोपेगेंडा इस मूवी के अंदर नहीं दिखाया, जो जीवनी मुरलीकांत पेटकर जी की थी वही सेम टू सेम इन्होंने दिखाई है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मूवी कई कई जगह तो बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है और इतनी ज्यादा इमोशनल करती है कि यार आंखों से आंसू निकल आते हैं, बावजूद आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं वो नहीं हो पाएंगे। जो मुझे लगा है कि यार इतनी बढ़िया तरीके से हमारे रिप्रेजेंट की गई है, मुझे वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। देखो मैंने बॉलीवुड से वो उम्मीदें रखनी ही छोड़ दी है, बहुत कम उम्मीदें कर दी कि ये मूवी कोई इंस्पिरेशन मूवी, कोई अच्छी मूवी जिसके अंदर आपको कोई विदाउट प्रोपेगेंडा देखने को मिलने वाले ऐसे कोई मूवी बनाएंगे। लेकिन अभी हाल ही की जो मूवी आई है, मतलब चंदू चैंपियन जो मूवी है, इस कैटेगरी में मैं कह सकता हूँ कि हाँ ये मूवी है जिसमें आपको कोई भी प्रोपेगेंडा देखने को नहीं मिलेगा, कोई फालतू की आपको मिर्च मसाला इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। एक ऐसी मूवी है जिसको आप अपनी फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, जो बहुत रेयर होता है बॉलीवुड की तरफ से, जो आप अपनी फैमिली के साथ एम्बेरेस हो बिना उस मूवी को देखें, ये वो मूवी है। आप अपनी फैमिली को लेकर जाके देखिए, ये मूवी आपको 100% इंस्पायर ही करेगी। परफॉर्मेंस में बात करूं, कार्तिक आर्यन ने जिन्होंने प्ले किया है मुरलीकांत पेटकर जी का किरदार, वाकई में कमाल कर दिया। इसके अंदर जो भी गेम दिखाए गए, केवल नाम मात्र के गेम नहीं दिखाए, उनके ऊपर मेहनत की गई है, चाहे वो कार्तिक आर्यन की तरफ से हो, चाहे वो मूवी के मेकर्स हो, जिनके अंदर आपको बहुत अच्छे से चीजों को रिप्रेजेंट किया गया। सिनेमेटोग्राफी हो गई इस मूवी की वो बहुत बढ़िया है, इंस्पिरेशन के मामले में मूवी बहुत बढ़िया है। तो एक बार मैं फिर से कहूंगा कि आप बेशक अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाके इस मूवी को देखें। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें, क्या कोई कमी नहीं है क्या मूवी में? देखो यार इस मूवी में इतना खो गया, शुरू से लेकर आखिर तक 2.5 घंटे इसकी लेंथ है, पता ही नहीं चला वो टाइम कब बीता, तो मुझे तो कोई कमी देखने का वक्त मिला ही नहीं, या मेरा ध्यान गया ही नहीं कमी देखने की तरफ। तो मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। एक नंबर क्यों काट लिया, बस ऐसे ही इस मूवी को नजर ना लग जाए। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखे तो वेट किस बात का कर रहे हो, अब तक वीडियो देख चुके हो तो जाओ यार मूवी जाकर देख कर आओ। तो बस आज के लिए इतना था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।